तो यहाँ पे हाइब्रिड के लिए यहाँ पे एक्टिवा 5G यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये एक्टिवा देख लीजिए, ये नॉर्मल पेट्रोल ऑपरेटेड है, अभी तक इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है। तो एक बार यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये सेल्फ स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो एक्सीलेटर केबल है उसको चेंज करना पड़ेगा। किट के साथ में जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको केबल यूज़ करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक एक ही केबल से चलेगा। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले जो आपको फ्रंट पैनल खोलना पड़ेगा और नीचे का खोलना पड़ेगा। तो वो खोल के फटाफट फिटमेंट चालू करते हैं। तो एक्सीलेटर केबल चेंज करने के लिए आपको जो हेडलाइट, फ्रंट पैनल और नीचे का और पीछे का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो केबल है यहाँ से कंटिन्यू होके नीचे से होके ऊपर आती है, तो ये चीज़ तो आपको खोलना ही पड़ेगा। ये आप गैरेज वाले की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको केबल चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा पेट्रोल केबल था, इसको हमने निकाल दिया है। अब उसकी जगह हम लोग जो है ये वाला लगाने वाले हैं। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके जो है दिखा देता हूँ। तो एक्सीलेटर चेंज करते समय आपको ध्यान देना है, पुराने केबल में से आपको स्प्रिंग और पिन निकाल के जो है नए वाले में लगा देना है। यहाँ पर हमने केबल जो है चेंज कर दिया है। तो एक बार आपको चला के दिखा रहे हैं केबल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।